नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 6 चरणों का मतदान समाप्त होने के बाद आज आपको दिखाएंगे सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक नहीं बल्कि पूरे 10 चरणों का महासर्वे, जो 10 चरणों के द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया गया है, जो जानकारी कलेक्ट की गई है, उसके आधार पर 543 सीटों का सर्वे आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। किसको कितनी सीटें, कौन बनेंगे प्रधानमंत्री 2019 के लिए, आज आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा कई सारे चैनल का महासर्वे और सभी चैनलों का जो महानिचोड़ बनता है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए वो सारे बड़े चेहरे आपके सामने है, क्या नरेंद्र मोदी क्या यहाँ वापसी करेंगे राहुल गांधी, या गठबंधन यहाँ कुछ कर पाएगा, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, क्योंकि हमने ये सर्वे किया है वो सभी छोटे बड़े जो वोटर हैं उनकी राय ली गई है, और देश के अंदर जो भी बड़ी एजेंसियां हैं, जो सट्टे बाजार के रुझान हैं, उन सारी जानकारी को कलेक्ट करने के बाद ये सर्वे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सबसे ताज़ा सर्वे। पहले आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे 10 बड़े चैनल के लिए, तो इसमें एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का जो यहाँ पर सर्वे था वो यहाँ पर एनडीए को 267 और यूपी के लिए 142 और अन्य के खाते में 134 सीटें दिखा रहा है इन 543 सीटों के लिए। मतलब ये है ना एनडीए ना यूपीए और किसी की सरकार अपने दम पर बनती नजर नहीं आ रही है, यहाँ गठबंधन की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए ये सी वोटर और एबीपी न्यूज़ का यहाँ पर सर्वे था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और भी जो बड़े चैनल हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, उनका क्या यहाँ पर रुझान है। तो चलिए जानते हैं सभी 29 राज्यों का सर्वे 543 सीटों के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी को 60, कांग्रेस को 2 सीट और एसपी और जो गठबंधन है उसको 18 सीटें जाती नजर आ रही हैं। ये सबसे ताज़ा रुझान है सर्वे के, जो क्योंकि आंकड़े चेंज होते रहते हैं ये आपको फिर भी बता दे रहे हैं, क्योंकि ये सर्वे है। और आपको बता दें यहाँ पर पांडुचेरी की एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए दमन और दीप की एक सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के लिए, तो बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 1, टीआरएस को यहां पर 14 सीट जाती नजर आ रही हैं लोकसभा चुनाव 2019 के लिए। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के 7 सीट के लिए, जो ओपिनियन सामने आया है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी कह सकते हैं कि अभिनेता चुनावी मैदान में उतरे हैं, उसके बाद क्या रंग दिखता है दिल्ली के लिए, तो इस बार भी 7ों के 7 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, 1 सीट यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में भी जा सकती है, ये आपको सर्वे दिखा रहे हैं। बात करते हैं दादर नगर हवेली की, 1 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के लिए, काफ़ी यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 6 चरणों का मतदान समाप्त हुआ है, तो काफ़ी ऐसे कह सकते हैं कि मूवमेंट रहे हैं जिन्हें देख हर कोई हैरान रहा है, चाहे वो पोलिंग बूथ की बात हो, टीएमसी कार्यकर्ता हो, कांग्रेस कार्यकर्ता हो, या बीजेपी कार्यकर्ता हो, तो उनमें भ्रम देखने को मिली है। और उसके बाद अगर देखें तो वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग की गई है तो वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। उसके बाद क्या सर्वे आता है वो देखिए आप, यहाँ पर बीजेपी जबरदस्त वापसी करती नजर आ रही है, 2014 के मुकाबले 2019 में 20 सीटें यहाँ पर प्राप्त कर रही है, टीएमसी 22 पर सिमट सकती है, जो 34 सीटें 2014 में मिली थी वो 22 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए, क्या यहाँ पर रुझान है ताज़ा, तो 5ों की 5 जो सीटें हैं वो यहाँ पर बीजेपी को जाती नजर आ रही हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों के लिए, तो दोनों सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। अब आपको दिखाते हैं नागालैंड की 1 सीट, वो भी बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है, लक्षद्वीप की 1 सीट जो है वो कांग्रेस खाते में जाती नजर आ रही है, सिक्किम की 1 सीट बीजेपी को, और यहाँ पर राजस्थान के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि वोटिंग अच्छी हुई है। उसके बाद देखें आप तो 2019 में तो 20 सीट बीजेपी के खाते में, 5 सीट यहाँ पर कांग्रेस को जा सकती हैं, 2014 में ये सभी सीटें प्राप्त की थी बीजेपी ने। कुछ राज्य ऐसे रहे थे लोकसभा चुनाव 2014 में जिनमें बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा सीटें प्राप्त की थी, जिनमें राजस्थान भी वो राज्य है जहां पर 25 में से 25 प्राप्त की थी, दिल्ली में से यहां पर 7 में से 7 सीटें प्राप्त की थी, मध्य प्रदेश में 8 सीटें यहाँ पर प्राप्त की थी, वहीं यहाँ पर कह सकते गुजरात वो राज्य था, और उत्तर प्रदेश वो राज्य थे जहाँ बीजेपी ने अपने दम पर अकेले दम पर सारी सीटें प्राप्त की थी। और 2019 में कुछ सीटें घटती नजर आ रही हैं, तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 19, कांग्रेस के लिए यहाँ पर 20 सीट मिल सकती हैं।
अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए, तो बीजेपी को यहाँ पर 6 सीट और कांग्रेस को 7 सीट मिलती नजर आ रही हैं। इनमें अन्य दल भी शामिल हैं, जिनमें अकाली दल भी एक बड़ा दल है, वो बीजेपी के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों के लिए, तो बीजेपी को 12 और बीजेडी के लिए यहाँ पर 9 सीट मिल सकती हैं। उड़ीसा वो राज्य है जहाँ बीजेपी 2014 के मुकाबले 2019 में काफ़ी ज़्यादा सीटें प्राप्त करती नजर आ रही है। बात कर लेते हैं मिजोरम की, एक सीट वो भी बीजेपी के खाते में। यहाँ पर मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें, यहाँ पर एक सीट कांग्रेस को, एक बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, अगर देखें लोकसभा चुनाव 2019 के लिए, तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र वो राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं। अब यहाँ शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन है, वो यहाँ पर 40 सीटें यहाँ पर मिल सकती है और कांग्रेस को 8 सीट मिलती नजर आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए, तो मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार, उसके बाद क्या यहाँ पर आंकड़े आ रहे हैं, देखिए 25 सीट यहाँ पर बीजेपी को और 4 सीट यहाँ पर कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं लोकसभा चुनाव 2019 के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों के लिए, तो बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट, वहीं कांग्रेस को 12 सीट और अन्य जो सीटें हैं वो अन्य के खाते में जाती नजर आ रही हैं। बात कर लेते हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के लिए, तो यहाँ पर अगर बात करें बीजेपी को 20 सीट, कांग्रेस के लिए 8 सीट जाती नजर आ रही हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए बात करें, तो बीजेपी को यहाँ पर 10, कांग्रेस के लिए पर 4 सीट जाती नजर आ रही है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों के लिए, तो 2 सीट यहाँ पर बीजेपी को, 3 सीट यहाँ पर कांग्रेस को, 1 सीट जो है वो अन्य को पीडीपी के खाते में जाती नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के लिए, तो 4 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। अब आपको दिखाते हैं गुजरात के लिए क्या यहाँ पर तस्वीर सामने आ रही है, तो एक बार फिर से 26 सीट यहाँ पर बीजेपी को जा सकती हैं, 1 या 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस को मिलने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। जो अन्य आंकड़े हैं, जो अन्य सर्वे हैं, उसके आधार पर भी आपको यह जानकारी दिखा रहे हैं। आपको दिखाते हैं गोवा की 2 लोकसभा सीटें, दोनों सीटें 2014 में भी बीजेपी ने जीती थी, 2019 में भी बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें, तो बीजेपी को 7, कांग्रेस को 4 सीट मिलने का अनुमान कई सारे ओपिनियन हैं वो यहां पर लगा रहे हैं, उसी के आधार पर आपको ये सर्वे दिखा रहे हैं। आपको दिखाएंगे आगे कि किस प्रकार से कितनी सीटें किस दल को जाती नजर आ रही है। अब आपको दिखाते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए क्या यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें बीजेपी को, तो बीजेपी को 30 सीट, कांग्रेस को 10 सीट मिलने का अनुमान है। यहाँ पर भी काफ़ी गठबंधन है और गठबंधन के बाद एनडीए यूपी में ये दल बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं असम की 14 लोकसभा सीटों के लिए, तो बीजेपी को 10, 2 सीट यहाँ पर कांग्रेस के लिए और 2 सीट यहाँ पर एआईडीएफ के लिए जा सकती हैं। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए, तो 2 सीट यहां पर बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस के लिए, वाईएसआर के लिए यहां पर 19 सीट मिलती नजर आ रही हैं। मतलब सबसे बड़ी पार्टी आंध्र प्रदेश में वाईएसआर निकल कर सामने आ रही है और 3 सीट यहां पर टीआरएस को जाती नजर आ रही है। तो अब तक हमने 543 सीटों का सर्वे किया है और 543 सीटों के लिए कई सारे चैनल की राय ली गई है, कई सारे ऐसे वोटर रहे हैं और कई सारी एजेंसियां रही हैं, चाहे उनमें सट्टा बाजार हो या कई ऐसे चैनल रहे हैं, सारे चैनल का जो डाटा कलेक्ट करने के बाद ये सर्वे तैयार किया गया है। सर्वे क्या कह रहा है, देखिए बीजेपी को 348 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के लिए 95 और अन्य के खाते में 100 सीट जाती नजर आ रही है। मतलब लोकसभा चुनाव 2019 के लिए फिर बना सकती है बीजेपी अपनी सरकार और अपने दम पर, यहाँ गठबंधन की आवश्यकता नहीं है बीजेपी को, क्योंकि अपने दम पर यहाँ पर सीटें निकाल रही है। और ये लोकसभा चुनाव 2019 के लिए आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, फाइनल रिजल्ट 23 मई को आएगा, क्योंकि अभी एक चरण का मतदान बाकी है, उसके पहले ये सर्वे सामने आया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन तक यह जानकारी पहुंच सके। और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, आपके हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीट किस राज्य से मिल सकती हैं, आप जिस भी राज्य से हैं तो आपके हिसाब से वहाँ की जनता का क्या मन है, उनका क्या कहना है, क्योंकि ये सर्वे है, आपकी भी राय काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो अपनी राय जो है वो बिल्कुल दीजिए। और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।